खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर से। खबर यह है कि कांग्रेस 15 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देगी जिनका चयन रायशुमारी के बाद किया जाएगा। 15 सीटें जनता से पूछकर तय करेगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की पहल पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और कपिल सिब्बल की दिल्ली में चांदनी चौक की जो सीट है उस पर भी फैसला कुछ इसी तरह से किया जाएगा। 15 सीटों में से 2 सीटें दिल्ली की बताई जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 2 ऐसी सीटें होंगी जिनमें उम्मीदवारों का चयन रायशुमारी के आधार पर किया जाएगा, यानी जनता से पूछा जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा, उसके आधार पर कांग्रेस ये निर्णय लेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे मुतल्लिक पहल की थी और उसी पहल पर अमल करते हुए फैसला लिया गया है, एक बड़ा फैसला। सवाल यह भी कि आखिर कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे क्या है, क्या आम आदमी पार्टी इफेक्ट यहां देखने को मिल रहा है? इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कांग्रेस पार्टी में, खास तौर पर जब रायशुमारी के आधार पर लोगों से पूछकर उस इलाके के उम्मीदवार के बारे में फैसला लिया जाए। तो 15 सीटों को एक मॉडल के तौर पर चुना जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कुछ और सीटों पर फैसला इसी तरह से पार्टी ले। जो खबर है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने पहल की और उसी पहल के आधार पर यह फैसला लिया गया है।